ये सुजाता क्या अरे ठंडी की तबीयत खराब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल दिल्ली से अब चल दिए पटना के लिए। दिल्ली का जितने भी काम था सारे काम सब समाप्त कर लिए और यहाँ से निकल चले हैं पटने के लिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी का अभी समय अब आ चुका है। 19 तारीख की ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो आप देख रहे हैं अभी फिलहाल हम भी मेट्रो स्टेशन पर हैं। यहाँ से मेट्रो पकड़ कर नई दिल्ली जाएंगे और नई दिल्ली से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पकड़ के पटना की ओर जाएंगे। हमारा भाई टुनी है जो वे भी साथ में जाएगा। और इससे पहले बात आपको बता दें कि आज सुबह सुबह का मेरा ट्रेन था, इसमें विक्रमशिला एक्सप्रेस में मेरी बर्थ था, उसमें हम रिजर्व कराए थे, लेकिन मेरा तबीयत अचानक ख़राब होने की वजह से उस ट्रेन को छोड़नी पड़ी। और उसके बाद संपूर्ण क्रांति से जा रहे हैं, जो कि भाई साहब का सीट संपूर्ण क्रांति में है। एक ही सीट से दोनों मिलकर कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे क्या? जी बिल्कुल। तो मेट्रो ट्रेन आ गई, अभी इसी ट्रेन से हम लोग को निकलना है। अभी देख रहे हैं तो देख सकते हैं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 16 में प्रवेश कर रहे हैं। और इतना सारे भीड़ होने की क्या वजह है आप लोग को बताते हैं। सभी लोग को बैग चेक इन होता है, तो बैग चेक इन करा के उसके बाद एंट्री होती है। बनियान भी चेकिंग होता है? हाँ, चड्डी और बनियान भी चेकिंग होता है। तो देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, सारे लोग बैग चेक इन होगा और उसके बाद ही प्लेटफॉर्म पे एंट्री अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तो है फाइनली ट्रेन हम लोग की आ चुकी है अभी, और प्लेटफार्म पे लग रही है, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे। वो देख सकते हैं, इसका नाम आपको दिखाते हैं, संपूर्ण क्रांति ही है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। हम लोग का B2 में है। हम लोग का सीट B2 में है। हाँ B2 में है। B2 अभी तो B4 आ गया ना, B4 आ गया, उसके बाद B3 B2 में हम लोग का सीट। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हम अपने सीट पे हम लोग आके बैठ गए हैं। खुलेगा 40 मिनट बाद, अभी ट्रेन खुलेगी। बहुत सारे पैसेंजर्स लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं ऐसी कौन सा है B2 में हम लोग, क्योंकि मेरा सीट तो इसमें था, विक्रमशिला में था। तो गाइज फाइनली अब पटना जंक्शन हम लोग पहुंच गए हैं, और पटना जंक्शन में उतरने के बाद अभी हमारे जो लोकल ट्रेन से अब हमको जिस स्थान पे जाना है उसके लिए हमको 8:30 की ट्रेन है। तो अभी आधा घंटा मेरे पास, 1 घंटा टाइम है, तो 1 घंटा थोड़ा सा यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, फेमस है पटना जंक्शन पे, तो यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं। हालांकि घूमा हुआ है लेकिन दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेन पर बैठने की कोशिश करें। बच्ची देख करके हम घर से दौड़ते आई, यहाँ पे गई दौड़ते दौड़ते, उसके बाद देखो डॉगी आ रहा है मेरे लिए। कौन? अब देखिए इसका ड्रामा क्या। हाँ देख लिया हमको, देख लिया। अब भागे तो पापा। चलो 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 चलो। अरे इसको एक बार ना है, आज ना है ये है। नहीं बहुत। चलो अरे 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 आ गए ना। हाँ आ गए आ गए। चलो घर चलो घर चलो चलो आ जाओ चलो घर चलो 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 घर चलो घर चलो घर। हाँ चलो। तो देख सकते हैं दिल्ली से इसके लिए एक जोड़ा इधर से एक जोड़ा इधर से, नहीं दो जोड़ा पायल लेकर आए, तब वो साली अच्छा खुश नहीं होती है ये। अच्छा दिखाइए ना, कितना सुंदर डिजाइन है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। हाँ इधर देखिए, ये ना मेरा घुंघरू का सबसे मेरा फेवरेट डिजाइन है, ये देखिए। तब वो खुश नहीं होती है साली, ये पता। और ये नहीं लाए है मेरी बड़ी मंजली वाली जो गोतनी है ना, मेरी दीदी वही एक जोड़ा वो खरीद के दिए, एक जोड़ा ये ला के दिए। हाँ, कहाँ है वो? आए तो कहाँ है? आए नहीं है पर भेजाई है मेरी गोतनी। तो हम ही ना। हाँ आप लाए हैं बात अलग है, पर खरीद दिए है वही दीदी। मेरे पास खरीदने का टाइम नहीं था इसलिए उनको भेज दिए थे खरीदने के लिए क्या। हाँ तो एक जोड़ा तो वही दिए है ना खुद का पैसा से, एक जोड़ा आप दिए है। ऐसे तो खुशी की बात है कि दो दो पायल है मेरे पास, वो भी बहुत खूबसूरत है। वाह मेरे पैर में बहुत ही सुंदर लग रहा है।
और खाने के लिए क्या लाए हैं? खाने के लिए तुम्हारा मुंह लाए हैं साले। मिठाई भी नहीं लाए हैं, इनको पता है कि मेरा फेवरेट मिठाई है। मिठाई नहीं तो दवाई ही लेकर चलाते हैं, इतना हालत खराब है मेरा। यहाँ ले जाया जाता है जहाँ गेस्ट हम जा रहे हैं, हम गेस्ट हैं। आप यहाँ गेस्ट ही है क्योंकि यहाँ तीन दिन रुकेंगे तो गेस्ट ही तो है। हाँ तो मेरा घर है, हमको इतना अच्छा लगता है मिठाई। अरे वाह, पता है मुझे डोडा बर्फी बहुत पसंद है, ये ला कर ही नहीं दिए। मिठाई नहीं तो दवाई लेकर आ जाते, इनको पता था कि हमको चक्कर आ रहा है, तबीयत खराब है, फीवर है, सर्दी खांसी है। हम ठीक कर चक्कर ही ठीक करेंगे। हाँ पिटाई करते हमको, पीट पीट के हमको ठीक करते हैं। देखिए चक्कर आ रहा है, जो मार रहे हैं, पागल इंसान है। तो गाइज आप लोग बता दीजिएगा कि मेरा ये दोनों आपको पायल कैसा लगा? ये तो मैं बहुत खूब सुंदर लग रहा है। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पायल कैसा लगा, बताइएगा जरूर। और मैं वेट करूंगी आपका कमेंट का। तो गाइज फाइनली अब देख रहे हैं हम घर पे आ गए, सब बच्चे लोग साथ में खेल रहे हैं। और उसके बाद वीडियो में आप देखे भी डॉगी जो हमारा डायमंड है कितना प्यार से मतलब खेला है मेरे साथ में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद डायमंड से भेंट हुई है, तकरीबन कितने दिन, 15 दिन बाद। और सभी लोग बच्चे लोग सभी लोग पता नहीं मेरी वाइफ कहाँ चली गई, हम घर में आए ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं रहे। बेटा मम्मी कहाँ गई है? अच्छा तुमको बेटा नहीं पता है कहाँ? मम्मी यही पे है। तो गाइज आज कब लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आप देख लिए मेरा सफर किस तरह का रहा। हमको छोड़ दिए, हमको बहुत आसान सा सफर रहा मेरा आज का, और बहुत इजी वे में आराम से हम घर पे आ गए। और वीडियो में तो आप लोग देखें कि डायमंड कितना मेरे साथ खुश हुआ, बच्चे लोग भी खुश हुए। सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नहीं सब्सक्राइब की बात नहीं है, हमको ये छोड़ दिए, देख रहे हैं। इसको तो बहुत बुलाएं लेकिन आई नहीं, तो फिर देख रहे हैं मेरा तबीयत कितना खराब है। फीवर लगा हुआ है बहुत ज्यादा। तबीयत खराब कम और नौटंकी ज्यादा क्या? नहीं नहीं सही बात है, मेरा आंख बता रहा होगा आपको, देखिए ध्यान से कि मेरा तबीयत। मेरा गाल मत छुइए, मेरा पापा गाल की स्माइल को किसी को देखना है इससे। पानी ली ऑयली पापा, सच में मेरा तबीयत खराब है, आप देख सकते हैं मेरे आंख आपको बता देगा मेरा तबीयत कितना खराब। अच्छा तो दवा ला दे। पता है आए तो ये नहीं हुआ कि दवाई मिठाई नहीं तो दवाई लेकर चलते हैं, तबीयत इतना खराब है। और एक चीज और बता दे, इसकी तबीयत खराब की दवाई जानते हैं क्या है? मिठाई। अगर मिठाई लेकर आ जाए तो पक्का इसका तबीयत ठीक हो जाएगा क्या? सही बात है ना, देख लेना। या फिर मुर्गा मुर्गा या मिठानी, मीट चाहे मिठाई, दो चीज इसको ला के दे तो यार क्यों फीवर क्यों नहीं लगा हो, आराम से उठ के खा लेगी। हमें चक्कर इसीलिए, उसके बाद भले फिर सो जाएगी कि मेरा तो बुखार आ गया, लेकिन पहले उठ के खा लेगी उसके बाद सो जाएगी। नहीं ऐसा, चलो ठीक है। तो शाम को लेकिन मिठाई जरूर खाएंगे इनसे, आपको हम खाएंगे पक्का। वो तो आप सभी लोग देखते हैं कि हम आते हैं तो कितना ये शॉपिंग करती है, कितना घुमाती है। ये करेंगे बस, हमको मिठाई चाहिए या मिठाई ही चाहिए, क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है, नहीं मीट खा सकते हैं, न मछली न अंडा कुछ नहीं है। माय गॉड, बस मिठाई तो खाएंगे। अगर इस बार तुम बोले कि इतना शॉपिंग नहीं करेंगे, इतना शॉपिंग अगर नहीं करती तो गॉड को थैंक्स बोल देंगे जरूर, क्योंकि हमें बस इस बार ना मिठाई चाहिए बस, वो भी एक ब्लैक जामुन चाहिए, वो भी गर्मा गर्म, और चाट चाहिए, वो भी कचौड़ी चाट बनाई है, और बस बर्फी चाहिए डोसा। बस ये 1000 रुपए का बिल बन गया, देख लो मतलब कुछ नहीं चाहिए, 1000 रुपए का बिल बना। ब्लैक जामुन चाट तो खाएंगे, डोडा बर्फी की बात बता रही है, काजू बर्फी बता रही है, जो काजू बर्फी नहीं डोडा बर्फी खाएंगे, 600 रुपए किलो है, कुछ रहे। तो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा भी चैनल का नाम सुन लीजिए अरविंद अरविंद सुजाता ब्लॉग, ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले ये बात भी सुन लो, ये अरविंद, ये सुजाता, ये ब्लॉग है। क्या फिर से बोले तो? ये अरविंद, ये सुजाता, ये ब्लॉग, और इनको कारू भी कहते हैं। तो यार फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को खाने जरूर आ जाइएगा शाम को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।